एक औरत बड़ी कसरत से इबादत करने वाली थी। जब उसका इंतकाल होने लगा तो उसने अपना सर आसमान की तरफ उठाया और कहा, ऐ वो ज़ात जो मेरा तोशा और जो मेरा जखीरा है और जिस पर जिंदगी मौत में भरोसा है, मुझे मरते वक्त रुसवा न करना और कब्र में मुझे वहशत में ना रखना। जब वो इंतकाल कर गई तो उसके लड़के ने एहतमाम किया कि हर जुमे को वो माँ की कब्र पर जाता और कुरान शरीफ पढ़कर उसको सवाब बख्शता और तमाम कब्रिस्तान वालों के लिए दुआ करता। एक दिन उस लड़के ने अपनी माँ को ख्वाब में देखा और उससे पूछा, माँ तुम्हारा क्या हाल है? माँ ने जवाब दिया कि मौत की सख्ती बड़ी सख्त चीज़ है, मैं अल्लाह की रहमत से कब्र में बड़ी राहत से हूँ और क़यामत तक मुझसे यही बर्ताव रहेगा। बेटे ने कहा कि मेरे लिए कोई खिदमत हो तो कहो अम्मी जान। माँ ने कहा कि बस हर जुमे के दिन मेरी कब्र के पास आकर कुरान शरीफ की तिलावत करते हो, उसको ना छोड़ना, और जब तुम कब्रिस्तान में आते हो तो सारे कब्रिस्तान वाले खुश होकर मुझे मुबारकबाद देने आते हैं, मुझे भी तेरे आने से खुशी होती है। अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल हर एक के वालदैन को सलामत रखे और जिनके फौत हो गए हैं उनकी मगफरत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।